पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन करके पाकिस्तान को भी बता दिया है, और पाकिस्तान जैसे जो बोल हैं, जो भारत के नेता बोलते हैं, उनको भी सबक सिखाने का काम किया है कि देखो ये आस्तीन के सांपो, ये पाकिस्तान वाली भाषा मत बोलो। और आज देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस सारे के सारे लोग मौन साधे हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि ऐसे लोग पाकिस्तान परस्त राजनीति कर रहे हैं, चाइना परस्त राजनीति कर रहे हैं, देश को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता पाकिस्तान को भी सबक सिखाएगी। सपा बसपा कांग्रेस के लोग जो पाकिस्तान परस्त राजनीति कर रहे हैं, चाइना परस्त राजनीति कर रहे हैं, इस मामले पर चुप हैं, देश के मामले पर चुप हैं। इसलिए इन लोगों को कोई देश की जनता क्षमा करने वाली नहीं है। इसी के लिए जन जागरण के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम हुआ है। कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क किया है पीएम के अगेंस्ट बिलावल भुट्टो ने, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आपकी भावनाएं हैं इसको? पाकिस्तान के मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के खिलाफ, आदरणीय मोदी के खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणी की है, उसके खिलाफ पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आज हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है, उसका मंत्री ऐसी अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है, उसको अपनी हैसियत में रहना चाहिए, अपनी औकात का एहसास उसको होना चाहिए। अगर भारतीय सेना को छूट दे दी जाए तो 10 मिनट भी लगेंगे, पाकिस्तान का विलय हिंदुस्तान में हो जाएगा। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में उनके जो अपशब्द कहे, जो अशोभनीय और निंदनीय है, और वो कभी माफ़ करने योग्य नहीं है। ये समय समय पर पाकिस्तान इस तरह की घटना वहाँ पर कोई ना कोई करता रहता है। आज पूरे देश में इसको उनकी निंदा करते हुए और उनको फांसी की सज़ा की मांग करते हुए पूरे देश में एक साथ ये प्रदर्शन हुआ, और इसमें जो उनका पुतला फूंका गया, और इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर हमारे एक माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री के खिलाफ ये शब्द बोले हैं तो इनके खिलाफ जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इनको नहीं बख्शना चाहिए किसी हालत में। हाँ, अब ये तो इत्तेफाक बादरी उस दुष्ट को फूंकते हुए मेरे हाथ में भी फूंक गया हाथ, तो ये तो बड़ा अपाहिज वो है, दुष्ट व्यक्ति है कि मेरे हाथ में भी नुकसान दे गया है चलते चलते। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।